हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BSHF 101 का है। और आपको पता है कि पिछले साल से यानी कि जो आपके दिसंबर 2019 से इग्नू ने जो है BSHF और FST 01 के जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब इनके एग्जाम जो होंगे वे MCQ बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसमें है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम इग्नू के जो है लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं BSHF 101 के MCQ, और इसके बाद हम आपके लिए FST का भी MCQ लेके आएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BSHF 101 से। आंसर बता रहे बिल्कुल ऑथेंटिक, यानी बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसके बेस पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर जो है कैसा गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर हम आपको नहीं बता पाए हैं, लेकिन यदि आपको उनको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि अदर लोगों की हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर औद्योगिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज जो है किस चीज का है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा समाज जो औद्योगिक चरण पश्चात आया, जिसके एक्सेल सिद्धांत लासूस की भूम से ज्ञान में परिवर्तित हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ज्ञान है वो भूम से ज्ञान में परिवर्तित हुए, यानी लोक किसानी के बाद ज्ञान को भी इससे जोड़ने लगे औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक समाज से। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण का मतलब वही होता है तर्क के मानवतावाद की प्रभुता, ठीक है। यानी तर्क वितर्क ज्ञान और विज्ञान में यकीन करना ही पुनर्जागरण काल कहलाया। तो तर्क के मानवतावाद की प्रभुता पुनर्जागरण काल है। गांधी जी ने निम्न का मार्ग अपनाया था, तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया था। नोम चोमोस्की ने जोर दिया था, नोम चोमोस्की ने किस पर जोर दिया था। तो देखिए, नोम चोमोस्की ने जो है ज्ञान को प्रचार में परिवर्तित होने से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग जो है ज्ञान को प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जब एक तरह से पुनर्जागरण काल आया था उस समय से रिलेटेड ये बातें हैं, इसलिए ज्ञान को प्रचार में परिवर्तित होने से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कांस युग में क्या होता था, देखिए, तो कांस युग में इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यानी कि प्रमाण मौजूद है जो सुझाते हैं कि भूमि व्यवस्थित रूप से और मरुस्थलों से रिक्लेम की गई और रिकॉर्ड स्तर पर भोज उत्पाद बने, यानी जो मरुस्थल उस समय के थे, ठीक है ना, और जो व्यवस्थित भूमि थी वहां पे खेती की गई और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे उत्पादन उनको मिला, यानी उन्होंने भोज पदार्थ उत्पादित किए। राइट आंसर 4 हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू एंड राइट आंसर हम आपको दे रहे हैं, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस आंसर पर हमें लगेगा कि डाउट है वो भी हम आपको बता देंगे। आपको जिनका आंसर हम नहीं बता पा रहे हैं तो आप उनके जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नौ पत्थरीय, ठीक है, न्यू स्टोन युग के सांस्कृतिक लक्षण समान तौर पर जो मोर्गन कहते हैं, यानी कि नौ पत्थरीय युग में जो सांस्कृतिक लक्षण दिखे थे, तो मोर्गन उस युग को क्या कहते थे, उन्होंने उसको क्रूर युग कहा था, बर्बर युग। यहाँ पे क्रूर युग यूज किया गया है जबकि उन्होंने बर्बर युग कहा था। बर्बर और क्रूर का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 50 लाख वर्ष पूर्व एक संपूर्ण पर्यावरण में रहने वाले प्रथम मानव को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पीकिंग मानव कहा जाता है। ये आपको FST वाले में मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश करूंगी, जो लोग BSHF का पेपर देने जा रहे हैं, जो मैंने FST के MCQ अवेलेबल करवाया है, क्योंकि वो आपके बुक से है, तो प्लीज उसे जरूर आप वॉच कर ले, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जनरली दोनों में जो आपका सिलेबस है वो मिलता जुलता है। ज्ञान की तलाश में मानव ने क्या किया, तो विज्ञान और मूल्यों को क्रमिक रूप से खोजा। ज्ञान की तलाश में मानव ने विज्ञान और मूल दोनों को क्रमिक रूप में खोजा था। जादू के नियम, ये मुझे इसका आंसर जो है नहीं पता था, जादू के नियम का, इसे आप देख लीजिएगा। व्यक्ति जो ज्ञान की विषय वस्तु है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है राजनीति और समाजशास्त्री मानव के बीच विभाजित हो सकता है। मुझे
मुझे ऐसा लगता है आप इनका राइट आंसर जरूर बता दीजिएगा। फ्रांसिस बेकन ने महत्व दिया, फ्रांसिस बेकन ने किस चीज पर महत्व दिया था? इसका भी जो मुझे आंसर है नहीं मिल सका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंधविश्वास और सॉरी अटकलों का ज्ञानवर्धन तरीका जो है फ्रांसिस बेकन ने इस पर महत्व दिया था, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 में से मैं 75 का भी आंसर बता देती हूँ, उसमें से आपके 50 भी सही निकल जाते हैं तो आप पास है। उत्तर औद्योगिक समाज को मार्क्यूस ने ऐसे देखा, उत्तर औद्योगिक समाज को मार्क्यूस ने कैसे देखा था? तो देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहारवादी विश्व के रूप में मार्क्यूस ने जो है उत्तर औद्योगिक समाज को देखा था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, राष्ट्रवादियों द्वारा प्रतिपादित ड्रेन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए ड्रेन सिद्धांत जो है 2 नंबर का सही है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण भाग इंग्लैंड को निर्यात हो रहा था और जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। ड्रेन का मतलब ही होता है ड्रेन यानी निकलना, तो भारत का जो धन था वो इंग्लैंड जा रहा था, यहाँ का धन, यहाँ का सामान, यहाँ की खनिज संपदा कहाँ ले जाई जा रही थी? इंग्लैंड ले जाई जा रही थी, तो वही था ड्रेन। इंग्लैंड के औद्योगिकरण के साथ साथ यह हुआ, क्या हुआ इंग्लैंड के औद्योगिकरण के साथ साथ? तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो यहाँ पे बी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भारतीय कपास उत्पादकों का पतन और नाश शुरू हो गया था और इसमें गांधी जी ने फिर इनका साथ दिया था। दूसरा थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है डाउटफुल सा हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे जो क्षेत्र कपास और समेत मेन इसमें कपास का था, क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो है कॉटन बहुत ज्यादा होती थी, कॉटन के वस्त्र भी बनाए जाते थे, तो यहाँ कॉटन का जो कॉटन जो है यहाँ इंग्लैंड ले जाता था भारत में, भारत से कम दामों पे, और वहां बाहर जाके इंग्लैंड में ले जाके वहां के बाहर देशों में बेचा करता था और ज्यादा पैसे कमाया करता था, तो कॉटन का स्थित औद्योगिकरण हुआ। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, मुझे सही आंसर इसका ये लग रहा है। बिल राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोफेसर सुमित सरकार इस मत के थे, देखिए इसका भी जो आंसर है मुझे नहीं मिल पाया है। 16 क्वेश्चन ले लेते हैं कि थॉमस मैकाले के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा नीति का उद्देश्य था, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना जो रंग और खून से भारतीय हो परंतु रुचि राय नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजों। मैकाले जो थे जिन्होंने शिक्षा नीति का सिद्धांत लाया था, निष्पंदन सिद्धांत लाया था, ठीक है, ड्रेन थ्योरी जो लेके आए थे, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा का उच्च स्तर से नीच स्तर की ओर अच्छन छन के जाना, तो वो ऐसा मानते थे कि लोग जो भारतीय हैं भले रंग खून से वो भारतीय हों लेकिन वो हमारी अंग्रेजी शिक्षा को अपनाए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। इसी तरह से चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष किसके विरुद्ध था? तो देखिए यहाँ पे नील के उत्पादन के, चंपारण में नील का था और जो आपका खेमा था, खेरा खेमा था शायद, वहां पे कपास का उत्पादन का था, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप कपास और नील में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी? तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं फास्ट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो लेंदी बनेगा, 100 इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उग्रवादी आक्रामक राष्ट्रवादी राष्ट्रवादियों में यहाँ पे आपको बताना है किनकी क्या नीति थी उस समय? तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि सेकंड, वे महसूस करते थे कि औपनिवेशिक शासन के अच्छे इरादों पर भरोसा गलत था। आई थिंक मुझे ऐसा इसका सही लगता है। बिल इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए, अगर जिस पे मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्लियर बोल रही हूँ, लेकिन जो सिर्फ जिसका मैं आंसर आपको बताते चल रही हूँ मतलब वो बिल्कुल राइट 100% राइट आंसर है। ओके अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था, दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक बनाकर औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए, यानी नमक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? दांडी यात्रा की थी। ओके अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 22 हम ले लेते हैं, 22 में 1922 में चौरा चौरी हिंसा के बाद गांधी जी ने क्या किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ओके ये इसलिए हुआ था, बढ़ाया नहीं था उन्होंने, एक्चुअली क्या हुआ था कि 1922 में चौरा चौरी एक जो पुलिस थाना था वहां पे लोगों ने आग लगा दी थी, वहां पे 22 पुलिसकर्मियों की, अंग्रेज पुलिसकर्मियों के, कुछ भारतीय भी थे, भारतीय थे, उनकी मौत हो गई थी, तो गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था इस चीज से, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज के साथ गांधी जी ने व्यक्तियों को
क्या करने के लिए कहा, करो या मरो का नारा दिया था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ओके चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी खुदीराम बोस थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी खुदीराम बोस कौन थे, तो वो देखिए जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को तीन लोगों को यहाँ पे साथ में फांसी दी गई थी, ठीक है ना, तो वो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, तो यहाँ पे इसका देखिए जो राइट आंसर है, क्योंकि इसका आंसर तो मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1937 के बाद रियासतों में जनता के आंदोलनों को समर्थन देना शुरू कर दे, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी भी थे, और जब वो अफ्रीका गए थे उसके पहले जो वह अंग्रेजों के साथ में थे, कांग्रेस जो थी अंग्रेजों के साथ में थी, उनके साथ वो समर्थन करती थी, लेकिन अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी को सब कुछ समझ में आ गया और इसके बाद वो भारत में आकर उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था, इसलिए 1937 के बाद रियासतों में जनता के आंदोलनों को समर्थन देना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय उसका जो आंसर है आप हमें बता दीजिएगा, यदि ये गलत हो तो, मेरा एक जो मानना है मुझे यही लग रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो किस तरह का था, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर केवल अंतर्मुखी था, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, आप बता दीजिएगा। आरंभिक दिनों से राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, इसका जो आंसर है मुझे नहीं मिल पाया है 27 का, तो यदि आपके पास हो तो बताइएगा। भारत में ब्रिटिश शिक्षा की ब्रिटिश व्यवस्था क्या थी, तो देखिए एक यानी कि एक विरोधाभास के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर बुद्धिजीवी वर्ग की उत्पत्ति को प्रोत्साहित किया, ये ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था ही थी, वो यही मान, जैसे कि मैकाले ने क्या कहा था, यही कहा था ना कि वो खून और जो रंग से है भारतीय हो लेकिन दिमाग बुद्धि से उन्हें अंग्रेज होना चाहिए, तो उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग जो मैंने कहा ड्रेन थ्योरी जो बनाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी कि शिक्षा का उच्च स्तर से निच स्तर की ओर जाना, तो सिर्फ वो उच्च और बड़े वर्ग लोगों को ही शिक्षा देते थे, छोटे लोगों को फिर ध्यान नहीं देते थे। स्वतंत्रता पश्चात नेहरू ने परिकल्पना की कि नौकरशाही को अपनाना चाहिए, नौकरशाही को अपनाना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। ओके चलिए, भारत में बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, बहुलवाद, देखिए बहुलवाद का मतलब क्या होता है, बहुलवाद का मतलब होता है कि यह अवधारणा विभिन्न संस्कृतियां परंपराएं धर्म और निर्जाति समूह एक साथ रह सकते हैं, बहुलवाद का मतलब ही होता है, नहीं कहते कि हमारा देश विविधता में एकता है, तो वही होता है बहुलवाद, ठीक है, सभी धर्म सभी संप्रदाय संस्कृति के लोग एक साथ रह ले। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय किसानों पर उच्च राजस्व की मांग का अर्थ था, उच्च राजस्व की मांग का क्या अर्थ था औपनिवेशिक काल में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तकनीकी विकास के लिए किसानों में सामर्थ्य था कि वे संसाधन उत्पन्न कर सके, एक्चुअली हुआ क्या था कि मशीनें उस वक्त आ गई थी और किसानों को बहुत कम मेहनताना दिया जाता था, ठीक है ना, तो मुझे इसका आंसर ये लग रहा है, बेला आप कमेंट्स करिएगा। औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य क्या कहलाता है, तो देखिए औपनिवेशिक राज्य जो है अर्ध आधिपत्य राज्य होता था, ठीक है ना, आधा आधिपत्य किसका होता था, ब्रिटिश का, और आधा जो होता था यहाँ भारत की बात करें तो भारतीयों का होता था। कार्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के तहत, कार्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त दिया था इसके तहत क्या किया जाता था, तो देखिए यहाँ पे जमींदारों के एक वर्ग के साथ समझौता हुआ था, स्थायी बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के लिए जाना जाता था कि जो भूमि किसानों को होती थी तब भी उसका स्वामित्व जो है किसको सौंप दिया जाता था, जमींदारों को, मध्यस्थता के लिए कि जमींदार जो है लगान इकट्ठा करे किसानों से फिर वो कहां दे, अंग्रेजों को दे, तो बीच का बिचौलिया बना दिया गया था जमींदार को स्थायी बंदोबस्त में। मुनरो द्वारा रैतवाड़ी प्रथा से ने निम्न का प्रावधान किया था, अब रैतवाड़ी प्रथा क्या थी, तो देखिए जो रैतवाड़ी प्रथा थी उसमें क्या किया गया था, भू राजस्व का निरंतर पुनर्मूल्यांकन किया गया था, यहाँ पे जमींदारी प्रथा जो खत्म कर दी गई थी लेकिन भू राजस्व का जो है वो पुनर्मूल्यांकन कर दिया गया था। ओके अगला देख लेते हैं, अमर सेन की राय में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बुरा प्रदर्शन क्या रहा है भारत में, तो ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लग रहा है शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा दोनों हो सकते हैं, राइट जो है मैं 4 को जो है सिलेक्ट करूंगी। अगला देख 36, अर्जित प्रस्थित का अर्थ है, अर्जित प्रस्थित का क्या अर्थ है, देखिए तो एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई पहचान, ठीक है क्या होता है अर्जित प्रस्थित,
अगला क्वेश्चन, प्रकारवादी विश्वास करते हैं, प्रकारवादी किस में विश्वास करते हैं? आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए। यदि वह आवश्यक कार्य त्योहारों के लिए नहीं जो कि एक परिवार करता है तो वह अस्तित्व में नहीं रहता, ये प्रकारवादी कर सकते हैं, इसलिए मुझे इसका 37 का ए लग रहा है। समाजशास्त्री बहिर्विवाह से समझते हैं, समाजशास्त्री बहिर्विवाह से क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। एक नियम जो बल देता है कि कोई व्यक्ति अपने समुदाय और वंश से बाहर विवाह कर सकता है। बहिर्विवाह का मतलब बहिर यानी बाहर, तो अपने समुदाय समाज से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह होता है। जिनमें मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, टिक लगा रही हूँ, आंसर बिल्कुल सही है। जिनमें मुझे डाउट है वो मैं आपसे खुद कह दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1986 का किशोर न्याय अधिनियम प्रारंभ हुआ था। किशोर न्याय अधिनियम 1986 का कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरे देश में किशोरों के न्याय के एक समान प्रारूप की व्यवस्था के लिए था 1986 का किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है। ब्रिटिश द्वारा जिन जनजातियों को आपराधिक जनजातियों का नाम दिया गया था उन्हें किस वर्ष में सूची से हटा दिया गया था? ब्रिटिश काल में कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजातियां घोषित कर दिया गया था, तो उन्हें किस वर्ष में आजादी के बाद हटा दिया गया था? तो 1952 में। ठीक है, 1952 में उन्हें आजादी के बाद उन जनजातियों को सूची से हटा दिया गया था। सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा अंतरंग प्रकार से संबंधित है, यानी सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो समाज में यथास्थिति बनाए रखना। समाज में रूपांतरण का मतलब ही होता है परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, रूपांतरण परिवर्तन में डिफरेंस होता है। जनरली हम लोग एक में यूज करते हैं लेकिन अंतर होता है। और परिवार में यथास्थिति, जब यहाँ समाज की बात चल रही है सिर्फ परिवार बस नहीं होगा, ठीक है ना, और पारिवारिक समिति। राइट आंसर इसका जो है वो आपका हो जाएगा दो, समाज में यथास्थिति बनाए रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति की सभा में कौन कौन थे? तो जीएस मुनि भी उसमें थे। ओके, राइट आंसर 3 हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना स्थापित है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ स्थापित है? परिशिष्ट में स्थापित है। हालांकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ा आरंभ में भी होता है, लेकिन आरंभ के पहले एक परिशिष्ट होता है जहां पे संविधान की सभा का प्रस्तावना दिया गया है और उसके बाद फिर स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या है? देखिए, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, हमारा एक ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान है और लिखित के साथ साथ में लचीला संविधान है जिसे बदला जा सकता है। ठीक है, 45 भारत में मौलिक अधिकार है, भारत में मौलिक अधिकार जो है बिल्कुल कानून की अदालत में लागू है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार को जो न्यायपालिका जो है वो क्या कर सकती है, यानी कि कानून जो कोर्ट है, हम लोग जनरली अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाते तो हैं, तो केवल कानून की अदालत में लागू है भारत में मौलिक अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व, भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व जो है कानूनी रूप से लागू किए गए हैं। नीति निदेशक तत्व किनको दिए गए हैं? राज्य को दिए गए हैं। ठीक है, यूनानी नगर राज्यों में क्या था? मुझे इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनानी नगर राज्यों में जो था प्रतिनिधि लोकतंत्र था, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल इसका आंसर जो होगा आप बता दीजिएगा। भारत एक है, भारत एक क्या है? जो मुझे इसका राइट आंसर 1 लग रहा है। आप कमेंट्स करिए, अगला क्वेश्चन लेने दे कि भारत में चुनाव आयोग क्या है, भारत में चुनाव आयोग क्या है? तो देखिए, भारत में जो चुनाव आयोग है, देखिए एक्चुअली क्या, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था तो है, जैसे स्वायत्त संस्था यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान द्वारा स्थापित पूरी तरह से स्वायत्त वैधानिक संस्था है, और लेकिन साथ ही साथ में ये अर्ध स्वायत्त भी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित अर्ध स्वायत्त संस्था है, क्योंकि देखिए जनरली जब चुनाव वगैरह में गड़बड़ी होती है तो लोग न्यायपालिका यानी कि कोर्ट की तरफ जाते हैं, तो न्यायपालिका द्वारा अर्ध स्वायत्त संस्था है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभागीय व्यवस्था ले जाती है, विभागीय व्यवस्था हमें कहाँ की ओर ले जाती है? तो देखिए, विभागीय व्यवस्था जो है हमें सरकारी संचालनों के एक तार्किक वर्गीकरण की तरफ, जो अनेक और विविध है। ठीक है ना, राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि राज्य और सरकार क्या है? तो देखिए, राज्य और सरकार दोनों अस्थायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि नागरिक प्रशासन का व्यवहार क्या है? तो नागरिक प्रशासन जो देखिए होता है, अब नागरिक प्रशासन का मतलब ही होता है नगर में, यानी कि स्टेट लेवल की यहाँ पे बात चल रही है।
इसका जो भी मुझे है फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका सही लग रहा है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कमेंट करके। शासन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी राज्य की नीतियां जो जनता को प्रभावित करती हैं, कार्यान्वित होती हैं, शासन वही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कानून का नियम, का के नियम, तो कानून के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए, दूसरा यानी प्रशासकीय व्यवस्था के सुचारू कामकाज के लिए उचित कानूनी व्यवस्था के साथ शासन प्रदान करना ही कानून कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, नागरिकों के अधिकार पत्र यानी चार्टर की अवधारणा का आरंभ हुआ है। नागरिकों के अधिकार पत्र चार्टर की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मुझे ऐसा लगता है ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ये अधिकार पत्र चार्टर जो है, जब इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज यहाँ पे थे तभी ये बना दिया गया था, तो ब्रिटेन से है। प्रशासन और प्रशासनिक क्षमता संबंधी सबसे विस्तृत सुझाव किसने दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक, यानी जनवरी 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग दिए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन ने इंकित किया था, ये मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में निम्न द्वारा जोड़े गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, ये आपका एक हो जाएगा। 1976 में 42वां संविधानिक जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, पंचायती कानून भी 1976 में 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया था? केशवानंद भारती केस में, तो देखिए, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया था कि संविधान के आधारभूत संरचना नहीं बदली जा सकती है। केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि उसमें संविधान की जो संरचना होती है आधारभूत, तो उसको बदलने की बात कही गई थी, तो संविधान ने सॉरी न्यायालय ने कहा था कि आधारभूत संरचना नहीं बदल सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग जो 27 जनवरी 2003 को स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश वेंकटा चलैया थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए बना था। क्या? राष्ट्रीय आयोग 27 जनवरी 2003 को स्थापित किया गया था। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से घुमाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है। ओके, 1957 के पंचायती राज अधिनियम, और 1957 का जो पंचायती राज अधिनियम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो, ग्रामीण राजनीतिक भागीदारी और गांव ब्लॉक खंड एवं जिला स्तरों पर निर्णय लेने के लिए त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना की गई थी 1957 के पंचायती राज स्तर में। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम में, यानी पहले जो था जिला और पंचायतों को नहीं रखा गया था, ब्लॉक को जोड़ा गया था, फिर त्रिस्तरीय जो है यानी इसके साथ में गांव ब्लॉक भी जोड़ दिए गए थे। आर्थिक विकास की अवधारणा है, आर्थिक विकास की अवधारणा से क्या समझते हैं, क्या मतलब है? तो देखिए, आर्थिक विकास की अवधारणा से मतलब है आर्थिक वृद्धि के समान ही समझा जाना। आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि से जोड़ा जाता है। जब हमारा देश आर्थिक विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा, उत्पादन होगा, तो हमारे आर्थिक वृद्धि भी बढ़ेगी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब यहाँ पे होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, निजी क्षेत्र सहवर्ती होते हैं, उत्पादन प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है जहाँ पे तीनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था जनसांख्यिकी परिवर्तन काल के तीसरे चरण की ओर बढ़ती है, तो क्या है? आई डोंट नो, मुझे इसका आंसर नहीं पता, पर मुझे लगता है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन काल जो होता है वो होता है कि जन्म दर शायद बढ़ना, सॉरी मृत्यु दर का कम होना, जन्म दर का ज्यादा होना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आप बताइएगा। भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी से हम समझते हैं, भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी से हम क्या समझते हैं? तो देखिए, राइट आंसर एक हो जाएगा, एक स्थित जहां व्यक्ति पूरी तरह से खेती से जुड़ा है। चलिए, मैं इनको पढ़ूंगी नहीं, मैं राइट आंसर बता दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है आपका, मैं नहीं चाहती ज्यादा लेंदी वीडियो हो। ठीक है, 66 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निर्दिष्ट करती है, क्या बताती है? तो तीसरा, ठीक है, वह प्रणाली जिसके द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर कर लगाया जाता है। आर्थिक विकास का बिग पुश सिद्धांत निम्न के द्वारा लाया गया, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, आपको मिला तो आप बता दीजिएगा। ओके, 68 का देख लेते हैं। भारत की दो छठी पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, दो छठी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई थी, वो किस किस साल में बनाई गई थी? देखिए, इसमें 1978 से 83 सॉरी छठी योजना बनाई गई, फिर 1980 से 85 बनाई गई। अच्छा, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था कि उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था, बहुत नुकसान सहना पड़ा था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको 2 बार बनाया गया था। ठीक है ना,
भारत ने कौन से महत्वपूर्ण वर्ष में आर्थिक सुधार आरंभ किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1991 में, ओके 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने में जोर दिया गया, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोर दिया गया? तो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, ठीक है। औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, इस चीज को आपको याद रखना होगा। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश मनाया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो अवकाश है 1966 से 69 में मनाया गया था। मैंने बताया था ना कि उस वक्त चीन से 62 में युद्ध वगैरह हुआ था, तो बीच में कभी कभी पंचवर्षीय योजनाएं जो है रोक दी जाती हैं, फिर फेल हो जाती हैं, नीतियां नहीं बन पाती उनकी वजह से। ओके, आजादी के बाद अप्रैल 1948 में औद्योगिक नीति पर पहले प्रस्ताव निम्न पर बल दिया गया, इसका मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए योजना और राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की इच्छा जाहिर करने पर बल दिया गया था, मुझे हो सकता है, फिर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, दो जो है इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो देखिए पीसी मेहलोनविस योजनाकार थे, फोर राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिकरण के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई थी, आयात प्रतिस्थापन की नीति कब अपनाई गई थी? औद्योगिकरण देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो सीधी सी बात है दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। औद्योगिक लाइसेंस यानी अनुज्ञा पत्र हटाना महत्वपूर्ण विशेषता थी किस में? औद्योगिक लाइसेंस, तो देखिए अभी हम इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के बाद औद्योगिक लाइसेंस जो है वो हटा दी गई थी, ठीक है ना। इसका कमेंट आप करिएगा, बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्तमान आर्थिक सुधार के दौरान विनिवेश का अर्थ है, वर्तमान आर्थिक सुधार के दौरान विनिवेश का अर्थ क्या होता है? निवेश का मतलब होता है लगाना, विनिवेश का मतलब होता है वहां से खींच लेना, तो सीधी सी बात है फोन नंबर का, यानी बजट घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को बाजार में बेचना ताकि राजस्व की प्राप्ति हो सके। आपको अगर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है सही तो आप इसे बताइएगा। साहित्यिक शब्द सम्मिलित करता है, साहित्यिक शब्द क्या सम्मिलित करता है? थ्री कविता, उपन्यास, नाटक, लघु आदि को, ठीक है। महाकाव्य है, महाकाव्य क्या है? देखिए जो महाकाव्य है वो हो जाएगा आमतौर पर बहुत लंबी कविता जो नायकों के बारे में बताती है वो महाकाव्य कहलाता है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है वो लघु नहीं दीर्घ होता है, बड़ा होता है, ओके। जैसे महाभारत, रामायण ये महाकाव्य है। लघु काव्य जिनको गाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है जिनको गाया जा सकता है उन्हें गीत कहते हैं, लघु, क्योंकि अब लघु काव्य हो गया तो महाकाव्य हो नहीं सकता है साहित्यिक निबंध में, निबंध में गाना होता नहीं है, लेकिन जिनको गाया जाए तो सीधी सी बात है गीत होगा। उपन्यास में भी कविताएं होती, सॉरी वो निबंध होते हैं और नाटक होते हैं। सलमान रश्दी के निबंध लेखन को आमतौर पर एक हिस्सा माना गया, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्व औपनिवेशिक साहित्य का माना गया होगा, आप इसको कमेंट्स करिएगा आंसर को। साहित्य के रूप में नाटक है, साहित्य के रूप में नाटक क्या है? तो देखिए एक मंचन किया जाता है, साहित्य के रूप में नाटक का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। साहित्य आलोचक, साहित्यिक आलोचना आमतौर पर इस क्षेत्र में काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है? हालांकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला, पर मुझे ऐसा लग रहा कि गैर आलोचनात्मक निबंध पर काम करती है साहित्यिक आलोचना, ठीक है। अजंता की गुफा की तस्वीरें मुक्तय दर्शाती हैं, तो अजंता गुफा की तस्वीरें थर्ड नंबर का, बुद्ध व बुद्ध के पूर्व जीवन, प्राकृतिक वातावरण की झलकियां जो आपको अजंता अलोरा की गुफा में मिल जाएगी। राजस्थानी कला विद्यालय में मुक्तय शामिल है, मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया, जब तक नाट्य शास्त्र की रचना हुई तब तक क्या हुआ? देखिये तो इसका भी आंसर जो है मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाट्य और शास्त्र जो है एक दूसरे से अलग हो गए थे। कथक मुक्तय तीन घरानों द्वारा प्रोत्साहित हुआ है, तो देखिए इसका राइट आंसर वन हो जाएगा, लखनऊ, जयपुर और बनारस के द्वारा जो है कथक, ये बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, तीन घराने फेमस है। आपने कभी क्या सुना है बेंगलोर घराना, चेन्नई घराना, ऐसा नहीं है, राइट आंसर वन हो जाएगा। भारतीय संगीत में मूल स्वर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संगीत में मूल स्वर है। देखिए अगर पूछा जाए कि भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं, ठीक है ना, हालांकि कुछ हम इन्हें सप्तक कह सकते हैं, यानी सात स्वर हैं, लेकिन स्वर कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। मैंने भी पहला जो आंसर इसी को सेलेक्ट किया था सप्तक, लेकिन अगर ज्यादा डीपली इसको देखा जाए तो ये थर्ड वाला आंसर जो है सही निकल के आता है, षडज जो स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। उपन्यास एक विधा के रूप में विकसित हुआ है, किस शताब्दी में उपन्यास एक विधा के रूप में विकसित हुआ है? तो 18वीं शताब्दी में। आज का हिंदी सिनेमा आधारित है, सीधी सी बात है स्टार व्यवस्था पर आधारित है हिंदी सिनेमा, ठीक है।
आज के मानव सुरक्षा के विचार में शामिल है। आज के मानव सुरक्षा के विचार में किस में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवाधिकार के विचार में शामिल है। और यदि आपको दूसरा आंसर लगता है तो आप इसका बता सकते हैं, मानव सुरक्षा विकास के लिए आवश्यक है। मानव सुरक्षा विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए एक वैश्विक राजनीतिक संस्कृति जो मानव मर्यादा और मानवाधिकार साझा मूल्यों पर आधारित 91 का हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता ने क्या किया, हरित क्रांति की सफलता ने देखिए हरित क्रांति की जो सफलता है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान की, क्योंकि हरित क्रांति जो है खेतों के लिए थी, फसलों के लिए थी, इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान की। एक साथ रहना सीखना है, एक साथ रहना सीखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे मिल नहीं पाया एक साथ रहना सीखना का, सूचना और संचार तकनीकी है। सूचना और संचार तकनीकी क्या है, कंफ्यूजिंग इसमें आंसर दिया है, लेकिन फिर भी अगर इसका आंसर देखा जाए कि सूचना और संचार तकनीकी क्या है, देखिए यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता सूचना और संचार तकनीकी, और दूसरा केवल प्रौद्योगिकी प्रयोजन के लिए, तो केवल प्रौद्योगिकी प्रयोजन के लिए नहीं, शिक्षा प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता सूचना संचार और तकनीकी, जो आपके लेसन में भी है, ठीक है ना। शांति और द्वंद है, शांति और द्वंद क्या है, तो देखिए शांति और द्वंद को अगर हम देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अति यथार्थवादी की संकल्पनाएं हैं, ठीक है। 1989 में किसने कहा था कि हमने जो देख रहे हो सिर्फ शीत युद्ध का अंत नहीं बल्कि इतिहास का अंत है, सुमित सरकार कह सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन ही है पार्थो चटर्जी, लेकिन सुमित सरकार इसमें थी, तो 96 का मुझे जो सेकंड है वो ऑप्शन ज्यादा सही दिख रहा है, बिल आप कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण को सुरक्षित और बेहतर बनाना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है, तो 97 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 4 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 51(a)(g) में कहा गया है। ओके चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, किस लिए बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है, तो देखिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 2008 से 12 के बीच केवल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर औद्योगिकृत देश ने अपने उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटाने पर सहमति व्यक्त की थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, मुझे इसका आंसर तो नहीं मिला, पर मुझे इसका लग रहा है कि क्योंकि देखिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं राष्ट्र जॉर्ज बुश जो थे, और यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ये सभी ने जो है सहमति कर दी थी, सभी ने सिग्नेचर कर दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा कि सेकंड हो जाएगा कि 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में जैविक विविधता सम्मेलन में हस्ताक्षर करने को सहमत हुए थे, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पर उन्होंने सहमति व्यक्त नहीं की थी अमेरिका ने। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद हम चर्चा करते हैं, तो इसका भी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ 1990 के दशक के बाद तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, आई थिंक कि आपके लिए यूजफुल वीडियो बिल्कुल होगा और होगा भी, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपके जो पिछली बार अभी दिसंबर 2019 में आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसमें जो आंसर मैंने बताए हैं जिनको मैं बता रही हूँ कि 100% ट्रू है, तो बिल्कुल 100% ट्रू इसके आंसर हैं। हाँ कुछ ऐसे आंसर हैं जो हमें नहीं मिल पाए हैं, उनमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो है डाउट है भी क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ यदि आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका नॉलेज हो जाए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हम और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। चलिए उस ग्रुप के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।